हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ब्यूटीफुल सा क्रॉप टॉप ब्लाउज। तो इसके बैक की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो और इसके लटकन की वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस अगर आप मेरे पूरे लहंगे की कटिंग स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको मैं शेयर कर दूंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग। बहुत ही आसान तरीके से वीडियो में मैंने पैड को अटैच करना बताया हुआ है एकदम परफेक्ट तरीके से, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हमें साइड में चेन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे में हमारा जो नेक है वो बिल्कुल नीचे से ओपन है, तो इसे वियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले पेपर पे पैटर्न बनाएंगे, इससे इसे कट करना भी आसान होता है और इसमें फैब्रिक भी बचता है हमारा। तो सबसे पहले हम अपने फोल्डिंग वाले साइड से शोल्डर का मार्क करेंगे 7.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्केल को इस तरीके से सीधा रखेंगे और अपने 7 इंच पे आर्म होल का मार्क करेंगे और 10.5 इंच पे अपना बस्ट पॉइंट का मार्क करेंगे। हमारे ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और यहाँ पे 17 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और इन लाइन को हम अभी सीधा कर लेंगे। यदि प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करें तो नीचे की तरफ 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा जरूर रखें। और यहाँ पे हम अंदर के आर्म होल के लिए मार्क करेंगे, तो 6.2 इंच पे यहाँ पे मार्क करते हुए हम इसे अपने शोल्डर लाइन से मिला देंगे और यहाँ पे हम अपने आर्म होल का शेप दे देंगे। अभी हम अपने राउंड मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए चेस्ट का जो हमारा राउंड मेजरमेंट है वो है 38 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा होगा 9.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और हमारा वेस्ट का राउंड मेजरमेंट है 30 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा होगा 7.5 इंच, तो हम अब यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे 2 इंच का हमें फिटिंग का टक्स देना है, तो 2 इंच पे एक दूसरा मार्क लगाएंगे और ये दोनों पॉइंट को ऊपर से हम लाइन बना लेंगे। उसके बाद हम अपने टक्स की मार्किंग करेंगे, तो हम अपने बस्ट वाली लाइन पे यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और नीचे वेस्ट लाइन पे 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और बाहर की तरफ 2 इंच का हमें टक्स देना है, तो 2 इंच पे हमने मार्क लगा लिया है। अब इसे हम स्केल से इस तरीके से मिला लेंगे दोनों पॉइंट को। और दूसरी वाली पॉइंट जो है उस पर हमें शेप ड्रॉ करना है प्रिंसेस कट का, तो इसे हम पहले इस तरीके से चौक से मिलाएंगे, फिर उसके बाद हाथ से इस तरीके से शेप देंगे हल्के से कर्व में। तो इस तरीके से इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगा। देखिए, अब बिल्कुल इस तरीके से हल्का सा शेप देंगे और फिर इसे हम अपने आर्म होल से इस तरीके से मिला लेंगे और इस पे हम अपने सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे आप 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच के लगभग मार्जिन रखा है और इसे अब हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से सबसे पहले हमने पेपर पे इसका पैटर्न कट कर लेंगे, उसके बाद इस पैटर्न को फैब्रिक पे रखते हुए उसे सेट करेंगे और उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक पार्ट लिया है और यहाँ पे सेट करके हमें यहाँ पे सिलाई के लिए 1/2 इंच मार्किंग ले ली है जहाँ पे हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच रखते हुए कट करेंगे। देखिए, ये मैंने यहाँ पे 1/2 इंच ले लिया है एक्स्ट्रा और उसके बाद बाकी को हम सेम ऐसे ही कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम ऐसे 2 पीस कट कर लेंगे। उसके बाद फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अपने सेंटर वाली जो पीस कट की थी उसकी फोल्डिंग साइड को फोल्डिंग साइड से मैच करते हुए इस तरीके से रख के हम सेट करेंगे। और यहाँ पे
ये देखिए यहाँ पे भी हमें हाफ इंच सिलाई के लिए मार्जिन लेना है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच इस तरीके से मार्क करते हुए इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे आर्म होल पे सेम ऐसे ही कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना प्रिंसेस कट कर लिया है। और यहाँ पे जो हमारा टक्स का पॉइंट है यहाँ पे मार्क कर लेंगे। स्टिचिंग के टाइम में इसे मैच करके स्टिच करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने इसी फैब्रिक को रखते हुए लाइनिंग भी कट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे हमने टक्स की मार्किंग करनी है जो हमने मेन फैब्रिक पे किया है। लाइनिंग पे भी उसी तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम अपने जो मेन वाला फैब्रिक है उन्हें एक साथ हमें अटैच करना है, और जो हमारे लाइनिंग का पार्ट्स हैं उन्हें एक साथ अटैच करना है। तो इस तरीके से हम दोनों को सेपरेट कर देंगे और इन्हें हम एक साथ में इस तरीके से रखते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो हमें ये दोनों का जो टक्स का पॉइंट हमने मार्क किया हुआ था उन्हें बिल्कुल एक साथ में रखते हुए स्टिच लगानी है। तो हमें इस तरीके से इसे एक साथ में यहाँ पे इस तरीके से सेट करेंगे, और इस तरीके से सेट करते हुए हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से स्टिच करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से आएगी। यहाँ पे भी इसी तरीके से दोनों पॉइंट को मैच करेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट्स को बिल्कुल मैच करते हुए स्टिच लगा लिया है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने लाइनिंग की भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने लाइनिंग को भी एक साथ में अटैच कर लिया है। उसके बाद में हम अपने लाइनिंग पे अपने पैड को अटैच करेंगे। तो पैड को अटैच करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप इसे अटैच कर पाएंगे। तो हमने जो पॉइंट टक्स का जो हमारा पॉइंट था बस्ट का वहाँ पे जो मार्किंग की थी बस उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें ये पैड अटैच करना है। तो इस तरीके से हम अपना पैड लेंगे इस तरीके से, और इसके सेंटर में हमने एक मार्क लगाया हुआ है, और ये दोनों मार्क को एक साथ में सेट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे फिर एक पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। तो हमने पिन लगा लिया है। उसके बाद इस तरीके से इसे सेट करते हुए हमें एक यहाँ पे स्टिच देनी है, और ये स्टिच हम उसी स्टिच पे लगाएंगे जो हमने दोनों पार्ट को अटैच करने के लिए जो स्टिच लगाई थी उसी लाइन पे ये स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने अपने लाइनिंग के साथ में पैड को अटैच कर लिया है। बिल्कुल सिंपल सा ये तरीका है पैड अटैच करने का, और एकदम परफेक्ट तरीके से ये अटैच हो जाता है। और इसी तरीके से हम अपना दूसरा पैड भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पैड अटैच कर लिए हैं। उसके बाद हम अपना जो मेन फैब्रिक है ब्लाउज का उसको इसके ऊपर इस तरीके से सेट करेंगे, और इसे पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, और इसके चारों तरफ स्टिच लगा लेंगे। और इस तरीके से हम अपना लाइनिंग और मेन पार्ट को दोनों को एक साथ में अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम इस पे अपना नेक की फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद एक फ्यूजन पेपर लेंगे जिसकी की चौड़ाई 10 इंच है और लंबाई 6 इंच है लगभग, और इसे सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और अपने नेक की हम इस पे विड्थ रखेंगे 4.5 इंच, और इसकी लेंथ है 4 इंच। इस तरीके से लाइन बना लेंगे। और इस पे हम 2 इंच का शेप देंगे, तो 2 इंच कॉर्नर से ऐसे मार्क कर लेंगे, और इसे इस तरीके से हम शेप दे देंगे। और यहाँ पे 1 इंच रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे। तो इसे हम फैब्रिक पे आयरन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे, और नीचे से स्टिच कर लिया है मैंने इसे। अब इसे हम अपने ब्लाउज पे स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हम अपने ब्लाउज को इस तरीके से सेंटर में फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे एक कट लगाएंगे, और अपने जो नेक पीस हमने तैयार किया है
उसे यहाँ पे सेट करके पिन से सिक्योर कर लेंगे। और बिल्कुल बकरम के किनारे किनारे में हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। उसके बाद स्टिच को के ऊपर हाफ इंच हमें इस तरीके से कट लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट डाल देंगे और इसे फिर हम पलट लेंगे। इस तरीके से पलट के हम स्टिच लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसे पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमारा नेक की फिनिशिंग हो गई है। अब हम अपने इसको बैक पार्ट से इसे अटैच करेंगे। तो ये है हमारा बैक पार्ट, उसे हम इसके ऊपर रखेंगे दोनों की राइट साइड एक दूसरे के साथ फेस करते हुए, और इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे। और जो पीछे वाली हमारी पट्टी है उसे आगे की तरफ ले आएंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से स्टिच लगाने से इसकी फिनिशिंग बिल्कुल क्लीन आती है। तो ये देखिए हमने स्टिच लगा लिया है, और यहाँ पे मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बैक से भी इसकी फिनिशिंग बिल्कुल क्लीन आई है। तो इस तरीके से हमने दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे और इसे सेट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने आर्म होल की फिनिशिंग कर लेंगे तिरछी पट्टी के साथ में, और उसके बाद हम साइड स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल की फिनिशिंग कर ली है, अब हम साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसे उल्टा करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आर्म होल का राउंड मेजरमेंट है वो है 38 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 18 इंच। तो यहाँ पे मैंने 18 इंच पे मार्क कर लिया है। उसके बाद नीचे हमारा मेजरमेंट है वेस्ट का राउंड मेजरमेंट 30 है, तो 30 का हाफ 15 आएगा, तो 15 पे मैंने मार्क कर लिया है। और ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला के स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हम नीचे की फिनिशिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। नीचे प्रिंसेस कट जब हम स्टिच कर लेते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से अनइवन फैब्रिक हो जाते हैं, तो उसे हम इस तरीके से सेट करके कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है साइड की। उसके बाद हम नीचे की फिनिशिंग करेंगे। तो इसको हम फोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हैं। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, लेकिन हम इसके ऊपर एक पट्टी इस तरीके से रखेंगे और स्टिच करेंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से आप स्टिच करेंगे तो कभी भी आपका ब्लाउज लूज टाइट हुआ तो उसे आप इजिली ओपन कर सकते हैं। और यह इस तरीके से हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।